Assalamu Alaikum everyone. I hope you all are doing really well. So continuing with a series of discrete maths that is MTH 202, we will start our lecture number five today that is arguments. So uh, subsequent argument basically. Hai kya? Argument is a list of statements called premises or assumptions yeah. or hypotheses followed by a statement called the conclusion. अब इसमें क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी लाइक अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और उसमें हर स्टेटमेंट को हम क्या कह रहे होंगे प्रेमिस मतलब फ़र्स्ट स्टेटमेंट प्रेमिस नंबर वन इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट प्रेमिस नंबर टू इसी तरह से या जम्पशन वन या हाइपोथिस वन ये डिफरेंट वर्ड्स हैं एक ही टर्म के लिए ठीक है अच्छा अब उसके बाद फॉलोड बाई अ स्टेटमेंट कॉल द कंक्लूजन तो डिफरेंट प्रेमिसज होंगी टू थ्री एंड सो so फोर्थ जितनी भी और आखिर में क्या होगा कि एक कंक्लूजन होगा ठीक है उसके अलावा कंक्लूजन से पहले जो है वो ये थ्री डॉट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल इनको इसको देर फोर रीड करते हैं ये साइन होगा सिंबल है ये बिफोर इट इज़ प्लेस जस्ट बिफोर द कंक्लूजन राइट अच्छा अब हमने क्या करना है इस चैप्टर में या लाइक like, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दी होगी या डिफरेंट प्रामिसज दी होंगी और कंक्लूजन भी दी होगी और आपने बस ये बताना होगा कि ये जो लिस्ट ऑफ प्रेमिसज है और आखिर में कंक्लूजन है इनका ट्रुथ टेबल बना के देखना है और आपने बताना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है वो वैलिड है या इन है ठीक है अब हम ये देखते हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं और इन वैलड आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं ये देखने से पहले हम पहले इसका एक ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं ताकि हमें ईजीली समझ आ जाए कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं क्या अच्छा अब ये देखें आपके पास एग्जाम्पल है शो दैट द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड अब एक आपके पास प्रेमिस है पी एम्प्लाइज़ क्यू एक प्रेमिस है पी और फिर कंक्लूजन के साथ ये देर वाला साइन है ना सिंबल है इसलिए हमें पता चल गया कि ये कंक्लूजन है तो जिस भी प्रेमिस जिस भी स्टेटमेंट से पहले ये देरफुल वाला साइन है इट मीन्स कि वो कंक्लूजन है आपके पास अब दो प्रामिसज हैं और एक कंक्लूजन है अब सबसे पहले क्या करना है कि ट्रूथ टेबल बनाना है प्रेमिसज का और कंक्लूजन का अब जैसे हम फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं लाइक like अब इसमें आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं पी और क्यू दो तो टू रेज टू पावर एन टू इंटू टू फोर तो दो मतलब दो चार रोज़ बनेंगी पहली में पी और क्यू आएंगे ठीक है अब पी में क्या है क्या दो ट्रू दो फॉल्स क्यों क्योंकि टोटल फोर थी तो उसको को टू पे डिवाइड इस तरह कर देते हैं लाइक अगर एट रोज़ होती तो पहले चार ट्रू चार फॉल्स होते इस तरह से ठीक है अब अगला क्यू जो है उसमें एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स ये हो गया अब पहला प्रेमिस आपके पास क्या था पी इम्प्लाइज़ क्यू अब पी इम्प्लाइज क्यू हमने थर्ड चैप्टर में इम्प्लीकेशन का किया था कि उसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया उसके अलावा पी था नेक्स्ट प्रेमिस तो बेशक आपने यहाँ फ़र्स्ट कॉलम में पहले से पी का बना दिया है नो no मैटर लेकिन अब हमने ये प्रूव करना है ना कि आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड तो उसके लिए लाजमी है कि ये जो पी है मतलब प्रेमिस में अगर यहाँ पर क्यू होता तो हम यहाँ पे क्यू बना देते तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास प्रेमिस नंबर टू जो है वो पी है तो अगेन आप इस पी वाले कॉलम को एक बार दोबारा लिखेंगे ठीक है उसके बाद कंक्लूजन लास्ट कॉलम हमेशा बनेगा कंक्लूजन का और वो है क्यू तो सिंपल आपने क्यू जो है वो दोबारा लिख दिया ठीक है अच्छा अब इसमें क्या हुआ है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये पी और क्यू के जितने कॉलम्स थे ना एक्जैक्टली exactly उनको आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक like पी क्या था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आपने ये पी भी यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख दिया इसी तरह यहाँ पे क्यू क्या था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी लिख दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अब आपके पास एक प्रमिज था पी इम्प्लाइज क्यू एक था पी और इसका कंक्लूजन जो है वो आपके पास क्या है क्यू अब हमने देखना है कि ये जो है वो आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं तो वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसमें जो प्रामिसज हों उन दोनों की वैल्यूज़ भी ट्रू हों और आखिर में उसके कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू आ जाए ठीक है तो ये जो आपको ग्रीन कलर्ड नज़र आ रहा है फ़र्स्ट रो जो आपको नज़र आ रही है ये जो है वो इसमें क्या है कि इससे पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है क्यों क्योंकि हमने वही रो कंसिडर करनी होती है जिसमें दोनों प्रेमिसज ट्रू आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं क्रिटिकल रो ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई ऐसी रो है जिसमें प्रेमिसज ही दोनों ट्रू नहीं है उसको हम कंक्लूजन के लिए कंसिडर नहीं करते उसको नोट नहीं करते लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेकेंड रो है फॉल्स है ट्रू है ट्रू है फॉल्स है ट्रू है फॉल्स है तो इस तरह की जो रोज़ हैं इनको हमने कंसिडर ही नहीं करना क्यों क्योंकि ये क्रिटिकल रोज़ नहीं है क्रिटिकल रोज़ क्या होती हैं ऐसी रोज़ जिसमें दोनों प्रेमिसज की वैल्यूज़ ट्रू हों तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू आ, मतलब क्रिटिकल रो है अब क्रिटिकल रो हमें कैसे पता चला अगर दोनों प्रेमिसज की वैल्यूज़ जिस जिस रो में ट्रू होगी वो क्रिटिकल रो है अब ये कैसे पता चलेगा कि आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं क्रिटिकल रो में अगर कंक्लूजन भी ट्रू आ जाए तो वो आर्गुमेंट वैलिड है अदरवाइज़ वो इनवैलिड है ठीक है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये वाला एंड लाइक like ये था यूज टू ट्रेबल टू डिटर्मिन द आर्ग्यूमेंट फॉर्म अब एक आपके पास प्रेमिस है पी वेल क्यू या इसको पी और क्यू प्रोनाउंस करते हैं एक प्रेमिस आपके पास है पी इंप्लाइज टिल्डा क्यू और एक है पी एम्प्लाइज़ आर तीन आपके पास प्रेमिसज हैं और लास्ट कंक्लू जो देव फोर के साइन वाला के साथ वाला है देव फोर आर ये आपके पास है कंक्लूजन तो अगेन तीन वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर तो टू रेज पावर थ्री एट हो गया एट में से फोर जो है वो ट्रू फोर फॉल्स फिर दो ट्रू दो फॉल्स दो ट्रू दो फॉल्स फिर एक ट्रू फॉल्स एंड देन ऑनवर्ड्स ठीक है अब प्रेमिसज़ के कॉलम्स बना लें पहला पी वेल क्यू तो और में क्या होता है कि ट्रू अगर कोई एक भी ट्रू हो तो सारा ट्रू हो जाता है अगर दोनों फॉल्स फॉल्सों तो फॉल्स होता है तो ये पी वेल क्यू का बन गया इसी तरह हम पी इम्पलाइज़ चिल्डा क्यू का यहाँ पे बना लिया और पी इम्पलाइज़ आर का बना लिया और फिर आखिर में आर जो कंक्लूजन थी वो 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 वैसे कि वैसा ये वाला जो थर्ड कॉलम था ये वाला ये सारा आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है हमने सबसे पहले जो है वो क्रिटिकल रोज़ देखनी है क्रिटिकल रोज अगेन ऐसी रोज होती हैं जिसमें सारे प्रामिसिस की वैल्यूज़ ट्रू हों अगर कोई ऐसी रो जिसमें सारे प्रेमिसज की वैल्यूज़ ट्रू नहीं है तो वो क्रिटिकल रो ही नहीं है हम उसको देखेंगे ही नहीं ये प्रूव करने के लिए कि भई हमारे पास आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं क्यों क्योंकि वो क्रिटिकल रो नहीं है और हमें आर्गुमेंट की वैलिडिटी या इन वैलिडिटी का सिर्फ कहाँ से पता चलता है क्रिटिकल रो क्रिटिकल रो से ठीक है अच्छा अब ये तीन रोज़ जो हैं वो क्रिटिकल आ गई हमारे पास अब हमने ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं तो देखें इसमें सारी प्रेमिस ट्रू थी कंक्लूजन भी ट्रू था इसमें सारी प्रेमिसज ट्रू थी कंक्लूजन भी ट्रू था लेकिन ये जो रो है आपके पास इसमें सारी प्रेमिसज तो ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन ट्रू नहीं है एक फॉल्स हो गया इसका मतलब है कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास इनवैलिड है इन द थर्ड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज़ फॉल्स वैन ऑल द प्रेमिसज आर ट्रू देर द आर्ग्यूमेंट इज़ इन ठीक है अच्छा अब इसी तरह आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम भी दी हो सकती है और उसको जो है वो आपने किस फॉर्म में लिखना होगा प्रेमिस की फॉर्म में और कंक्लूजन की फॉर्म में लिख के और फिर बताना होगा कि ये ट्रू है या नहीं है वैलिड है या नहीं है तो अब जैसे देखें इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय सिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय सिक्स तो अब आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट्स को पहले हमने जो है वो सिम्बल्स की फॉर्म में किसी तरह रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये होता है कि जब सिंबल्स हम दे रहे हो ना किसी को भी अलॉट कर रहे हैं रिप्रेजेंट हम अगर कर रहे हैं किसी को सिंबल्स की फॉर्म में तो कोशिश करनी है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम्स होने चाहिए जिससे हमें बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ भी आ जाए कि हमने कैसे वो स्टेटमेंट बनाई है ठीक है अब जैसे डी है तो डी डिविजिबल यहाँ में यह था ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू नंबर्स इज डिविजिबल बाई सिक्स तो इसलिए इसको डी से अलॉट कर दिया हम कोई भी और अल्फाबेट भी इसको अलॉट कर सकते थे लेकिन हमने सेल्फ एक्सप्लेनेट्री जो है वो नेम इसको असाइन किया इसी तरह पी जो है वो प्रोडक्ट के लिए ऑफ़ दिज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाई सिक्स अब इसमें क्या है कि पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ एनी ऑफ दिज नंबर इफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स इसका मतलब है डी इम्प्लाइज पी कि अगर तो डी ट्रू है तो पी जो है वो ट्रू होगा दूसरा क्या है नीदर ऑफ़ दिज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाई सिक्स तो ये जो है कि एट लीस्ट वन ऑफ दीज नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स और दूसरी प्रेमिस आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि जो डी है उसका ऑपोजिट दिया हुआ है ना इसलिए टिल्डा डी हो गई दूसरी प्रेमिस कंक्लूजन आपको क्या दिया हुआ है देयर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई सिक्स तो ये डिविजिबल बाई सिक्स आपके पास डी में था ओ सॉरी पी में था प्रोडक्ट वाला और यहाँ पे अगर इस इन्होंने बाकी सारी कंडीशन वही रखी है लेकिन इसका नॉट कर दिया निगेशन कर दिया तो इसलिए कंक्लूजन में क्या होगा देयरफॉर फॉर पी अब सेम आपके पास जैसे हम ट्रूथ टेबल्स बनाते आ रहे हैं एक ट्रूथ टेबल आपने डी इम्प्लाइज पी प्रेम इसका बनाना है एक टिल्डा डी का बनाना है और लास्ट में कंक्लूजन टिल्डा पी का बनाना है अब इसमें देखें पहले क्रिटिकल रोज देखी कौन कौन सी थी जिसमें दोनों प्रामिसेज ट्रू हों फिर हमने देखना था कि कन्क्लूजन में दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो हमने देखा कि लास्ट जो क्रिटिकल रो थी उसमें तो कन्क्लूजन ट्रू आ रहा है लेकिन जो सेकेंड लास्ट रो थी उसमें जो है वो नहीं आ रहा इसलिए अब हमें क्या पता चला कि ये क्रिटिकल रोज जो, जो मतलब ये वाली थी वैसे इस ट्रूथ टेबल की थर्ड रो बन रही है और वैसे फर्स्ट क्रिटिकल रो है तो इसमें कंक्लूजन क्योंकि फॉल्स आ रहा है क्यों इसलिए क्या होगा कि ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इनवैलिड हो गया आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड हो गया ठीक है इसी तरह से ये एक और ईद बोनस और स्टीरियो एंड मोटरसाइकिल वाली है इसी में इसमें भी लाइक ईद ईदी के लिए जो था ईद बोनस के लिए वो आपने ई e रख दिया नेम स्टीरियो के लिए एस्ट रख दिया मोटरसाइकिल के लिए हम तो मतलब फ़र्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो इसलिए रख रहे होते हैं ताकि समझने में आसानी हो और हम उसको ईजिली कर सकें दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फिर भी अगर कोई क्यूरी हो या कुछ समझना आया हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू